Hello everyone. In this video we are going to solve this question, particular question regarding which information is given by which scientist, right? So four options are given. यहाँ पर आपको बॉक्स में ऑप्शंस दी जाती हैं, बॉक्स में साइंटिस्ट के नेम दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको फीचर्स दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है जो आपको पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट के रिलेटेड है, राइट? कौन से साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट कही है. तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम इनको नहीं देखते, पहले इनको देखते हैं, फाइंड करते हैं. हमने इनको ढूंढना होता है, साइंटिस्ट को ढूंढना होता है पैसेज में. रॉजर एंजल को ढूंढेंगे, फिल राज को ढूंढेंगे, ये सारे साइंटिस्ट के नेम्स ढूंढेंगे और फिर वहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसने रॉजर ने क्या कहा है. और उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट उसकी कही हुई स्टेटमेंट के साथ मैच करती है. सो यहाँ पर भी हम कीवर्ड्स देख लें पहले. द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग. जियो इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, नहीं हो सकते. जियो इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग. जियो इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए. इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. लिमिट जरूरी है कि जो जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के इफेक्ट्स हैं उसको लिमिट करना जरूरी है, उसको कम करना जरूरी है. रिसर्च इंटू नॉन फ्यूजल बेस्ड फ्यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई जियो इंजीनियरिंग. जो रिसर्च है नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूज की कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई जियो इंजीनियरिंग. उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता जियो इंजीनियरिंग से. ठीक है, दोबारा से कर लें एक बारी. जियो इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. जियो इंजीनियरिंग एक टॉपिक है जो कि बहुत वर्थ एक्सप्लोरिंग है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. फिर इफेक्टिवनेस है जॉन सी जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की, उसको लिमिट करना चाहिए, कम करना चाहिए. रिसर्च इंटू नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय जियो इंजीनियरिंग. जो रिसर्च है नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स की उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते जियो इंजीनियरिंग से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रॉजर एंजल. सो हमने साइंटिस्ट के नेम मार्क कर लिए हुए हैं, रॉजर एंजल, उसके बाद डॉक्टर फिल रैश, देन डॉक्टर डैन लंच एंड देन डॉक्टर मार्टिन सोमरकन, राइट? सो ये सबके हमने नाम मार्क कर लिए हुए हैं. उसके बाद हम एंजल के बारे में अब पढ़ेंगे. एंजल क्या कह रहा है? एंजल सेज दैट हिज प्लान इज नो सब्स्टिट्यूट, कि उसका जो प्लान है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन. सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो यहाँ पर क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट के बारे में तो बता नहीं रहे. जियो इंजीनियरिंग जो टॉपिक है वो भी नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे. इट मे बी अननेसेसरी टू लिमिट द नो. रिसर्च इंटू नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स कैन नॉट बी रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते. सो ए ऑप्शन जो आंसर है वो किसका है, 40th का. ए ऑप्शन इज डन, राइट? इट्स 40th, राइट? 40th का आंसर ए है. एंजल ने यही कहा है कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता मीन्स रिप्लेस नहीं हो सकते. ठीक है, बाय जियो इंजीनियरिंग से रिप्लेस नहीं हो सकते. सो एक बार फिर पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा. एंजल सेज दैट हिज प्लान उसकी रिसर्च इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, द ओनली परमानेंट सोल्यूशन. उसी का जो सा प्लान है वही एक परमानेंट सोल्यूशन है, राइट? यही स्टेटमेंट उसी स्टेटमेंट के साथ सबसे ज्यादा मैच करती है. सो नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर फिल रैच. डॉक्टर फिल रैच क्या कहता है, ऑफ द यूएस बेस्ड पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इज इक्वली गार्डेड अबाउट द रोल ऑफ जियो इंजीनियरिंग. आई थिंक ऑफ ऑल ऑफ अस एग्री दैट इफ वी वर टू एंड जियो इंजीनियरिंग ऑन अ गिवन डे देन द प्लैनेट वुड रिटर्न टू इट्स प्री इंजीनियर्ड कंडीशन वेरी रैपिडली एंड प्रॉबेबली तो कल लगाया जा रहा है विद इन 10 or 20 ईयर्स. दैट सर्टनली समथिंग टू वरी अबाउट. चिंताजनक है बात, ठीक है? कुछ खत्म होने वाला है, चिंता हो रही है, नेगेटिव चीज हो रही है, तुक्का लगाया जा रहा है, राइट? जियो इंजीनियरिंग ऑन गिवन डे देन द प्लैनेट वुड रिटर्न टू इट्स प्री इंजीनियर्ड कंडीशन, राइट? अब हमें ये बात तो पता है कि वहां पर भी तुक्का लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा,
अंदाजा लगाया जा रहा है. तो अंदाजा इन तीनों में से कहाँ लगाया जा रहा है? इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट यहाँ पर भी और यहाँ पर मी. दोनों तरफ अंदाजा लगाया जा रहा है, दोनों तरफ अंदाजा लगाया जा रहा है मे बी और मे नॉट बी. राइट, यहाँ पर क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग. जो इफेक्ट्स है जियो इंजीनियरिंग के वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे. इट मे बी अननेसेसरी टू लिमिट द इफेक्टिवनेस. और यहाँ पर है कि नेसेसरी होगा, जरूरी, एक ये वर्ड भी है, जरूरी होगा क्या, लिमिट करना इफेक्टिवनेस और जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की इफेक्टिवनेस को लेसन करना, लिमिट करना नेसेसरी होगा. एक बार फिर स्टेटमेंट हम समझ लेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री दैट इफ वी वर टू एंड जियो इंजीनियरिंग ऑन अ गिवन डे then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly and probably within 10 to 20 years. means planet अपनी पुरानी condition में return कर जाएगी अगर हम geo engineering को fix time में बंद कर देंगे. right, if we will end it up. so geo engineering के effects के बारे में बात बता रहे हैं कि long lasting नहीं है, वो बंद हो जाएंगे. जब हम जियो इंजीनियरिंग को बंद करेंगे फिक्स टाइम पे, तो क्या होगा, जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, वो दोबारा से अपनी वही कंडीशन में आ जाएगी. सो हेयर इट इज गिवन द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग. वहां पर भी यही दिया हुआ है कि अगर जियो इंजीनियरिंग है, अगर वो स्टॉप हो जाएगी फिक्स टाइम पे, तो फिर क्या होगा, अर्थ अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएगी, ये बताया हुआ है. ठीक है, तो फिर दैट्स डेफिनेटली, यहाँ पे कुछ कम करने के बारे में नहीं वहां पे बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग ऑन द फिक्स डेट अर्थ विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. सो दैट्स वाई द करेक्ट द ऑप्शन विच मैचेस विद दिस साइंटिस्ट इज 37th. 37th आंसर इज बी. राइट, सो वॉट हैज डैन सेड, अ फर्दर रिस्क विद जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज दैट यू कैन ओवरशूट. फ्रॉम हु हैज स्टडीड द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सनशेड एंड इरोजल स्कीम्स ऑन द क्लाइमेट. यू मे ब्रिंक ग्लोबल टेम्परेचर्स बैक टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, बट द रिस्क इज दैट द पोल्स विल स्टिल बी वार्मर देन दे शुड बी एंड द ट्रॉपिक्स विल बी कूलर देन बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. टू अवॉइड सच सिनेरियो, लंड सेज, एंजल्स प्रोजेक्ट वुड हैव टू ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ विच रीएनफोर्सेस हिज व्यू दैट द बेस्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड द नीड फॉर जियो इंजीनियरिंग टूगेदर. Avoid the need for re-geo engineering together. So, अगर पीछे हमें कोई भी बात समझ नहीं लगी, तो इतना कम से कम समझ लग गया ना, वहां पे कुछ अवॉइड करने के बारे में बात हो रही है. अवॉइड करना क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्ड लिमिट हो गया ना. वहां पे कुछ पॉजिटिव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ जियो इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक विद वर्थ एक्सप्लोरिंग. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली पॉजिटिव स्टेटमेंट है. वहां पर कुछ नेगेटिविटी की बात हो रही है. राइट, वहां पर कुछ अवॉइड करने की बात हो रही है. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट मैचेज विद दिस वन. राइट, सो 39th आंसर इज सी. नेक्स्ट मार्टिन, मार्टिन का तो अब रह ये गया ना ऑप्शन पहले, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार. जियो इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग. नाउ व्हाट्स रिटन, डॉक्टर मार्टिन, क्लाइमेट चेंज एडवाइजर फॉर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स इंटरनेशनल आर्कटिक प्रोग्राम. ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज has brought humanity to a position where we shouldn't exclude thinking thoroughly about this topic. इस टॉपिक के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में, जियो इंजीनियरिंग की बात हो रही है ना, तो उस टॉपिक के बारे में हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते थॉरली सोचना और उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में. मतलब क्या है कि वो वर्थ है. राइट, उसके बारे में डिस्कस करना इज वर्थ. सो दैट्स वाई वो वाला मैच करता है हमारा. वैसे ही समझाया जा रहा है, समझने की जरूरत भी नहीं है. लास्ट ऑप्शन है तो वो आंसर तो वो यही होएगा. ठीक है, एक बार ये आपको ऊपर वाला आंसर समझा देती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपको बोला गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का बोला गया था. एक बार फिर आपको बता देते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है टू अवॉइड सच अ सिनेरियो. कौन सा सिनेरियो,
ये वाला सिनेरियो, यू मे ब्रिंग ग्लोबल टेम्परेचर बैक टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बट द रिस्क इज दैट द पोल्स विल स्टिल बी वार्मर दैन दे शुड बी एंड द ट्रॉपिक्स विल बी कूलर दैन बिफोर ट्रॉपिक्स विल बी कूलर दैन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अवॉइड सच ए सिनेरियो लंड की कहता है कि एंजल का जो प्रोजेक्ट है वुड हैव टू ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ. हाफ स्ट्रेंथ मतलब कम, लिमिट करना है. लिमिट करना वर्ड आ गया ना सिनोनिम वहां पर, लिमिट करना मतलब हाफ स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए. ऑल ऑफ विच रीइंफोर्सेस हिज व्यू द बेस्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड द नीड ऑफ जियो इंजीनियरिंग ऑल टूगेदर. राइट, तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है कि उसको हाफ स्ट्रेंथ में ऑपरेट करना मीन्स उसको लिमिट करना. दैट्स वाई ये मैच कर दिया उसके साथ. राइट right?